पश्चिम बंगाल में हिंसक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ उठी आवाज अभी तक शांत नहीं हुई है कि राज्य के अलग अलग कोनों से हत्या और रेप के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक कांग्रेस नेता की मौत हो गई। कुछ लोगों ने उन्हें घर से बाहर बुलाया और उनकी हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में रविवार सुबह कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े कांग्रेस के एक नेता की हत्या कर दी। इस घटना से आसपास के इलाकों में दहशत मच गई। घटना मानिकचक के धर्मपुर स्टैंड के पास स्थित बाजार की बताई जा रही है। मृतक का नाम शेख सैफुद्दीन बताया जा रहा है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मृतक कांग्रेस नेता के बेटे के मुताबिक उनके पिता रविवार सुबह करीब 7 बजे मानिकचक गए थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने कांग्रेस नेता को घेर लिया और उन पर आधाधुंध गोलीबारी कर दी। जानकारी के अनुसार इस दौरान बदमाशों ने बम से भी हमला किया। हमले में कांग्रेस नेता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक के बेटे ने इस मामले का आरोप टीएमसी समर्थित आरोपियों पर लगाया है। बेटे ने आरोप लगाया है कि इस घटना में गोपालपुर क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शेख नसीर शामिल हैं। उनके नेतृत्व में ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मेरे पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि घटना के बारे में पुलिस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये पता लगा रही है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। बता दें कि सिराजुल अली पेशे से कारोबारी थे, साथ ही वो ग्राम पंचायत के भी सदस्य थे। सिराज काफी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। बीती शाम को कुछ लोगों ने सिराज के घर का दरवाजा खटखटाया। जब सिराज ने दरवाजा खोला तो आरोपियों ने उन्हें बाहर बुलाया। सिराज जैसे ही घर से बाहर निकले, आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। सिराज की मौत कैसे और क्यों की गई, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। सूत्रों के माने तो सिराज की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश नहीं है। पुलिस की शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। के मार लो अपने सामी के मार लो अपने सामी के अपने सामी के मार लो हाँ अपने सामी के मार लो मुझे अपने सामी के मार लो बोलता है ना के मारा गया কে মারলো কি মনে করছেন কারা মারলো আচ্ছা আচ্ছা কোথায় হলো এটা কোন জায়গাটায় ধরমপুর বাজারে সৈফুদ্দিন বাজার করতে এসেছিল আপনার নাম ব্যুরো রিপোর্ট পিবিটিভি নিউজ नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএস বিডোডি অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন। মেট্রো প্লাজা এনএসবি রোড রানীগঞ্জ মথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।